वृंदावनी विश्व पूजिता वे स्वपावनी। ये श्लोक याद कर लो सब। वृंदावनी विश्व पूजिता वे स्वपावनी पुष्प सारानंदनी च तुलसी कृष्ण जीवनी। एक ही श्लोक में तुलसी माता के आठों नाम आ जाते हैं। इसका एक नाम है नंदिनी। नंदिनी का मतलब है जो संपूर्ण जगत को आनंद देती है, उसको नंदिनी कहते हैं। तुलसी माँ ने कभी किसी को कोई कष्ट नहीं दिया, कभी किसी को कोई दुख नहीं दिया। जिसके घर में ये पूजी जाएगी उसके घर में आनंद ही आनंद हो जाएगा। घर में झगड़े नहीं होंगे, घर में कलह नहीं होंगे, घरों में अकाल मृत्यु नहीं होगी। जिसके घर में श्रद्धा से माँ तुलसी की पूजा होगी उस घर की वंश वृद्धि बढ़ती है। जिस घर में तुलसी की जड़ों में मीठा दूध डाला जाता है, गुड़ घोल करके या खांड घोल कर कच्चे दूध में, और वो तुलसी की जड़ों में चढ़ाया जाता है। तुलसी सूख रही हो थोड़ा हल्दी का घोल डाल दिया जाता है, उससे भी तुलसी सूखने से बच जाती है। दूध, मीठा दूध तुलसी की जड़ों में अर्घ की तरह दिया जाता है। वह परिवार दिन दुना रात्रि चौगनी के रूप में उभरता है। कार्तिक का महीना चल रहा है कि ओढ़नी तुलसी माँ को उड़ा करके सूर्य उदित होने से पहले रोज पूजन कीजिए, दिए जलाइए, आरती उतारिए और परिक्रमा की। तुलसी माँ की चार परिक्रमा की जाती है, जैसे गणेश जी की तीन, दुर्गा मैया की आदि, दुर्गा मैया की एक, भोलेनाथ की आदि, नारायण की चार, सूर्य भगवान की सात, उसी प्रकार से तुलसी माँ की भी कम से कम चार और ज्यादा से ज्यादा कितनी भी आप दे लें। ज्यादा से ज्यादा कितनी भी दें, 108 दे लें, आपके पास टाइम है। पुष्प सारा नंदनी, चाह तुलसी कृष्ण जीवनी। तो इसका एक नाम नंदनी है इसलिए क्योंकि जो इसको पूजे वह आनंद से भर जाए, उसके जीवन में कभी आनंद की कमी ना रहे, इसलिए नाम है नंदनी। अगला नाम है तुलसी, जो हमारा भूत वर्तमान और भविष्य तीनों का सुधार कर देती है। तुलसी है जिसके पूजने से ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रिदेव प्रसन्न हो जाते हैं, उसका नाम तुलसी है। जो हमारे प्रातः मध्यान्ह और सायंकालीन तीनों बेलाओं को पावन कर देती है उसका नाम तुलसी है। वो तुलसी है कृष्ण जीवनी, इसका एक नाम है ये कृष्ण की जिंदगी है, कृष्ण की जीवनी है। तुलसी की माला को वनमाला के नाम से जानते हैं, जो भगवान को वनमाला पहनाते हैं, तुलसी काष्ठ माला पहनाते हैं, तुलसी पत्रों की माला पहनाते हैं। भगवान गोविंद उनके ऊपर अति प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत भारी प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी सेवते यस्तु भक्ति भाव समन्वता सेवितास्तेन तीर्थंच देवा ब्रह्मादयस्तथा। देखो तुलसी शब्द की व्याख्या है, इसमें करोड़ों ब्रह्मांडों में पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं वो सब जहां रहते हैं उस स्थान का नाम, उस माँ का नाम है तुलसी। संपूर्ण ब्रह्मांड के जितने भी देवताएं वो सब के सब सेवतास्तेन तीर्थांच देवा ब्रह्मादयस्तथा। जहां संपूर्ण तीर्थ और संपूर्ण देवता जहां वास करते हैं ऐसी वो माँ तुलसी है। लिखा है कि छिद्दंती तृण जालानी तुलसी मूल जानी है तदे हस्ताम ब्रह्मत्याम छड़ंती तक्षणाध्वरी। देखो वही बात हो गई,
जो लोग तुलसी के पत्तों को तोड़ते हैं, पूरी डाली सहित खत्म कर देते हैं, ब्रह्म हत्या का जिन्हें पातक लगता है, पाप लगता है। जो तुलसी की सेवा करते हैं उनके ब्रह्म हत्या जैसे महापातक दूर हो जाते हैं। दोनों बातें, तुलसी की सेवा करता है उसको सभी तीर्थों तथा सभी देवताओं की सेवा का फल प्राप्त होता है। तुलसी के मूल में निकली हुई घास को जो निकाल देता है, उसके देह में स्थित यदि ब्रह्म हत्या भी है तो वो भी समाप्त हो जाती है। तुलसी की जड़ों में मिट्टी को थोड़ा कुरेदते रहिए, वहां घास फूस न निकले। यदि किसी को ब्रह्म हत्या जैसा महापातक लगा है, उस पाप से भी वो मुक्त हो जाता है जो तुलसी की जड़ों में घास फूस को नहीं रहने देता। बहुत आनंद की बात हो गई है। ग्रीष्म काले दुजश्रेष्ठा सुगंधी शीतलई जलई तुलसी से चनम कृत्वा नरो निर्वाण मापिया। जो गर्मी के समय पर अपने हाथों से तुलसी की जड़ों में जल सिंचित करता है, निर्वाण मापने आत उसके केवल उसके मुक्ति और उसके मोक्ष को कोई रोक नहीं सकता। उस स्त्री पुरुष की मौत नहीं बिगड़ सकती जो तुलसी के वृक्ष में, तुलसी के गरुए में जो जल डालते हैं। चंद्रा तपम्बा छत्रम्बा तस्मै यस्तु प्रेक्षति विशेषतो निदाघेषु समुक्तः सर्वपातकैः। 14 नंबर का श्लोक है, बड़ा कमाल का है। जो तुलसी को, चंद्रमा की चांदनी को तथा छत्र को विशेष रूप से गर्मी के दिन में प्रदान करता है, वह सभी पापों से छूट जाता है।